नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक पैंट प्लाजो की बहुत ही आसान तरीके की कटिंग। आसान तरीका मैं दोस्तों इसलिए कहूंगा कि क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको आसन निकालने का फार्मूला भी बताया हुआ है कि आसन हम यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं। दूसरा, हमें थाइज का यहाँ पे कैसे साइज निकालते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। पैंट का आसन छोटा क्यों पड़ता है उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग करके दिखाई है, इसका भी मैंने फार्मूला बताया हुआ है। साथ ही ये वाली जो सिलाई होती है ये क्यों खिंचती है चलते हुए या चढ़ती क्यों है ऊपर की साइड, ये भी मैंने यहाँ पे फार्मूला आपको बताया हुआ है। मतलब एक पैंट के जो बारीक से बारीक टिप्स होते हैं पूरे टिप्स मैंने इस पैंट की कटिंग में आपको यहाँ पे दिए हैं। दोस्तों आज मैं 38 साइज की कटिंग लेकर के आया हूँ यहाँ पे, जो हमारा साइज है हिप का 38 है। इसके बाद हम 40-50 तक ये सभी कटिंग लेकर के आएंगे एक के बाद एक। तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर कहीं पे भी आपको डाउट लगता है। तो आइए सीखते हैं इस पैंट की कटिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों जो आपने पैंट की कटिंग देखी है उसके लिए हमने एक तो यहाँ पे ये फैब्रिक लिया हुआ है, दूसरा हमने यहाँ पे साइज लिखा हुआ है। देखिए जो हमारी लेंथ है पैंट की, हमने लेंथ रखनी है 36 तैयार। मोरी का नाप होगा हमारा 15 इंच 15 इंच और हिप होगी हमारी 38 इंच तैयार और वेस्ट होगी हमारी यहाँ पे 29 तैयार। तो इस नाप के अकॉर्डिंग आज मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ। दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि जो हम पैंट की लेंथ रखते हैं या तो एंकल लेंथ रखते हैं या हम पूरी लेंथ रखते हैं, मतलब शॉर्ट में पहनते हैं, तो हमें आसन का फार्मूला निकालने के लिए फुल लेंथ चाहिए होती है, जो कि बॉटम की सलवार वाला नाप जो होता है वो होती है। तो यहाँ पे सलवार वाला जो नाप है हमारा वो है 38। तो 38 के हिसाब से हम यहाँ पे आपको आज कटिंग बताने वाले हैं, क्योंकि जो आसन निकलता है वो हमें लेंथ के अकॉर्डिंग निकालना होता है और जो हमें थाइज का नाप निकालना होता है वो हमें हिप के अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया है, एक एक पॉइंट पे मैंने आपको समझाना है किस तरीके से कटिंग करनी होती है और इसमें क्या क्या ध्यान रखनी होते हैं। पैंट ऊपर की साइड क्यों चढ़ती है, जैसे चलते हुए एक साइड सिलाई खींचती रहती है या फिर बैठते उठते पैंट जो है नीचे की साइड खींचती रहती है, जैसे वह हम चौकड़ी मार के बैठते हैं तो अच्छे से बैठा नहीं जाता। एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों कटिंग करने के लिए जो भी हमारे पास फैब्रिक होता है उसको हम कन्नी से कन्नी ऐसे मिलाते हुए इस तरीके से बिछा लेते हैं। ये सबसे सही और आसान तरीका माना जाता है पैंट की कटिंग करने का। ऐसे बिछाने के बाद इस पर हम कर लेंगे प्रेस। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे कर ली है प्रेस। प्रेस करने के बाद सबसे पहले हमें ऊपर की साइड एक सीधा निशान लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सीधी लाइन लगा ली है। फिर हमें यहाँ पे ऊपर बेल्ट लगानी होती है, तो 1/4 इंच हमें इस तरीके से यहाँ पे इंच टेप को निकालना होता है ऊपर की साइड। और यहाँ से हमें आसन का नाप निकालना है। तो आसन जैसे मैंने बताया है जो फुल लेंथ है हमारी 38 इंच है, इसका हमारा चौथा भाग हो जाता है 9.5 इंच, 1 इंच इसमें प्लस करेंगे तो 10.5 इंच का हमारा यहाँ पे आसन तैयार आना चाहिए। दूसरा निशान हमारा घुटने का लगता है, तो घुटना हमारा 18 इंच पे आता है। तीसरा निशान हम लेंथ का लगाएंगे, जो हमें एंकल लेंथ रखनी है वो रखनी है 36 इंच, तो तैयार 36 रखेंगे। और 2 से 2.5 इंच का नीचे की साइड मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब इन सभी निशानों को सबसे पहले हमें इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों 38 लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आसन निकालना है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हमें इस साइड भी यहाँ पे एक निशान इस तरीके से लगा लेना है कन्नी को निकालते हुए। ये हमने कन्नी निकाल दी है। अब हमें थाइज का निशान लगाना है, जो कि यहाँ पे साइज हमें देखना है। तो हिप है हमारी 38 इंच, यहाँ पे 38 के हिसाब से हमारा जो चौथा भाग बनेगा 9.5 इंच, 9.5, ये हमारा 9.5 बनेगा। फिर आपने यहाँ पे देखना है लूजिंग कितनी डालनी है। देखिए जिनको फिटिंग वाली पैंट पहनने की आदत है तो आपने यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग डालनी है, जिनको थोड़ी लूज पहनने की आदत है उनके लिए 1.5 इंच रखे, ये ध्यान रखना है, बाकी और कोई चेंजिंग इसमें नहीं करनी होती। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग दी है। उसके बाद हम 2.25 इंच का आगे की आसन की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। अब जो ये वाला निशान है ये हम सीधा इस तरीके से ऊपर तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे और यहाँ से डाल देंगे गोलाई। तो ये देखिए कितना सिंपल सा यहाँ पे तरीका है जो मैंने आपको समझाया है। अब साइज जो हमारा निकल करके आता है यहाँ पे तैयार, तकरीबन ये हमारा 13 इंच यहाँ पे आ जाता है। तो 13 इंच का जो हमारा हाफ हिस्सा आएगा 6.5 इंच आएगा। यहाँ पे भी हम 6.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमें इन निशानों को आपस में मिलाना है
ये हमारे सेंटर वाले निशान होते हैं, ये ध्यान रखें। और यहाँ से हमें डट का निशान लगाना है, 4 इंच की हम डट डालते हैं, 4 से 4.5 इंच की। ऐसे हम यहाँ पे डट का निशान भी ये लगा लेंगे, तो ये हमारा डट का निशान हो जाता है। फिर से हमें नीचे की साइड मोरी वाले पार्ट पे जाना है, और जितनी आपकी मोरी है, जैसे 15 है तो 15 का हाफ हिस्सा हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7.5 इंच। तो 7.5 में हम 4.25 इंच का सेंटर पॉइंट रखेंगे और 7.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, सेफ फट्टी की मदद से इस तरीके से इस निशान से इस निशान को यहाँ पे ऐसे जोड़ लेना है। फिर सेफ फट्टी को ऐसे पलटना है और इस निशान से यहाँ पे भी हम मोरी वाले पार्ट को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे ऐसे। तो ये हो जाते हैं हमारे पैंट के सभी निशान। और अब हमें यहाँ पे गोलाई देनी है, यहाँ पे 1.25 इंच की इस तरीके। तो यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दी जाती है ऐसे, यहाँ पे हल्का सा आपने डाउन करके चलना है, और 1.25 इंच ही हमें यहाँ पे फ्रंट को डाउन करके चलना है। तो फ्रंट को भी हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे मिला देते हैं। तो ये देखिए हमारे परफेक्ट यहाँ पे निशान लग चुके हैं। अगर आपको यहाँ पे घुटने थोड़ा टाइट चाहिए तो आप इसमें एक एक पैर या आधा आधा इंच दोनों साइड से कम कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। वैसे ये बिल्कुल हमारी परफेक्ट निशान है, इनमें आपको कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आसन निकालने का मैंने फार्मूला बता दिया है, थाइज निकालने का मैंने फार्मूला बता दिया है। अब जिनको ये दिक्कत आती है कि चलते हुए ये साइड हमारी खींचती है, वो खींचती क्यों है, देखिए जब हम यहाँ पे जो हम कटिंग करते हैं तो इस एंगल में हम कटिंग कर देते हैं, यहाँ से हम ऐसे ऐसे यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, ये हमारा जो ब्लैक निशान होगा ये गलत होगा। और यहाँ से हम 15 इंच की मोरी ले लेंगे, 7.5 इंच, ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी ज़्यादा ऐसे, यहाँ पे ये चीज़ हमारी ज़्यादा क्रॉस हो जाती है। ज़्यादा क्रॉस होने के बाद कारण क्या होती है, यहाँ पे जब हम चलेंगे तो ये चीज़ हमारी खिंचती रहेगी। और जब हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेते हैं, पूरी पैंट हमारी सीधी है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये बिल्कुल सीधी है, तो इस हिसाब से कटिंग करते हैं तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल भी नहीं खिंचती, क्योंकि कुछ हमने इधर से क्रॉस किया है, कुछ हमने इधर से क्रॉस किया, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होती है, ये वाली जो कमी है ये भी मैंने क्लियर कर दी है। यहाँ पे थाइज का नाप भी आपको बता दिया कैसे निकालना है, और आसन का साइज भी मैंने आपको बता दिया है। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट की कटिंग तो यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद बैक साइड के लिए भी सेम ऐसे ही कपड़ा बिछाना है, कन्नी अपनी साइड रखनी होती है और ऊपर यहाँ पे फ्रंट को ऐसे बिछा लेना है। ये वाली साइड हम इकट्ठी कटिंग करते हैं तो हमें बिछाने में, सेंटर पॉइंट बनाने में दिक्कत नहीं होती, अगर हम इस तरीके से इकट्ठे चारों पल्ले कटिंग करते हैं। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये पॉइंट आगे की साइड यहाँ पे बढ़ाना है, दूसरा घुटने वाला पॉइंट बढ़ाना है, और तीसरा हमें यहाँ पे मोरी वाला पॉइंट बढ़ाना है। मोरी वाले पॉइंट पे हम रखते हैं 1/4 इंच, ध्यान रखें 1/4 इंच, घुटने वाले पॉइंट पे 1.5 इंच, 1.5, और ऊपर की साइड यहाँ पे हम 2.25 इंच रखते हैं। अगर साइज हैवी है, 40+ है, मतलब 44, 48 है, तो यहाँ पे 2.5 इंच तक भी आप आगे की साइड बढ़ा सकते हो। तो ये हमारे निशान हो जाते हैं। इन निशानों को एक दूसरे से हम जोड़ लेंगे यहाँ पे शेप फट्टी की मदद से इस तरीके से। तो ये हो जाते हैं हमारे इस साइड के निशान। अब बात करते हैं यहाँ पे ऊपर की। देखिए, एक सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, सीधा निशान लगाना है इस तरीके से, जहाँ पे हमारा फ्रंट का आसन है। सीधा निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 1 इंच अंदर की साइड या 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे ऐसे क्रॉस करते हुए, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारी बैक साइड का आसन है। तो हमने यहाँ पे बैक पार्ट बढ़ाना होता है तो बढ़ाने के निशान लगा लिए हैं, इस साइड के निशान भी लगा लिए हैं। अब जब जिस किसी को चौकड़ी मार के बैठने की दिक्कत आती हो, मतलब आसन छोटा लगता हो, आसन में खिंचाव पड़ता हो, आसन की सिलाई टूटती हो, तो उनके लिए ये वाला फार्मूला है दोस्तों। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर की साइड 2 से 2.25 इंच इसको बढ़ा लेना है,
और जैसे हमारा 44, 46, 48 साइज जाता है तो हमें 3.25 या 3.5 तक भी ये बढ़ाना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिलाएंगे क्रॉस करते हुए, तो आपका कभी भी बैक साइड से आसन ना तो फटेगा, ना ही सिलाई टूटेगी और ना ही आपको बैठने उठने में कोई दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे ये निशान हमने लगा लिए हैं, कंप्लीट निशान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं बैक वाले निशानों पे, देखिए। इसके बाद हमें यहाँ पे चारों पल्ले इकट्ठे कटिंग करने हैं। और आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट क्लास तरीके से हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो फर्स्ट क्लास फिटिंग आएगी और आपकी पैंट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।